बजिया पका रहा हूँ तेरे घर के सामने बजिया। सर जल्दी आइए। अरे तू पतेवाड़ में आ रहा हूँ। ये जोकर है, दिस वन। आ गया भजिया करे भजिया करे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर गया गिर गया, पकड़ पकड़ो। अजी में क्या खुशबू है सर। लेकिन सर सभी काम आप ही करते हैं, आप उन लोगों को कुछ काम नहीं देते सर। कितनी मर्तबा का नो सर। सर कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ अपुन लोग दोस्त हैं। कौन है अपुन लोग? दोस्त। ये पत्ते किसने बांटे हैं? मैंने बांटे हैं। तेरे बाप का राज है, मेरे पत्ते कहाँ हैं? आप तो भजिया बना रहे थे सर। तो तू मुझे उल्लू बना रहा था, मुझे बावर्ची समझा है। चल फिर से बांट, फिर से बांट, चल। अच्छा एक काम करो, पहले भजिया खा लो, चलो चलो। अरे अच्छा मुझे तू काम, अरे वो कमाने मैंने इतनी मेहनत है। अंकल आपने तो कुछ लिया ही नहीं। क्या लेता तेरा सर, कुछ छोड़ा तुम लोगों ने? लीजिए ना। नहीं कीप द चेंज। अच्छा वो भी खा लिया, बड़ा बेशरम है। अरे तुम लोगों ने भजिया खाया, रिश्वत खाई है, बदहजमी हो जाएगी तुम लोगों को। बदहजमी पे अर्ज किया है। अरे मर गए कि नहीं है फिक्र हमें बदहजमी होने की। भजिए थे टेस्टी, कैसे छोड़ते हम। ये मिर्जा गालिब की 420वीं औलाद। अभी आपके लिए शेर अर्ज किया करूं? जी हाँ इरशाद। अर्ज किया है कि भगवान ने किसी को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया, जिसे दिल नहीं दिया उसे कायर बना दिया, लगी आग जिसमें उसको फायर बना दिया, क्या बात, और जो किसी काम का नहीं था उसको शायर बना दिया। क्या करता है? सॉरी अंकल, आप प्रिंसिपलशिप छोड़कर भजिया क्यों नहीं बेचते? भजिया? बेटा तेरे जैसे दो चार स्टूडेंट मुझे और मिल जाए ना, तो मुझे आखिर में भजिया ही बेचने पड़ेंगे। नहीं नहीं अंकल, मेरे कहने का मतलब था आप भजिया की दुकान लगा लें, 6 महीने में लाखों पति बन जाएंगे। इडियट, शर्म नहीं आती अंकल को भजिया बेचने का आइडिया देता है? इतना इंटेलिजेंट एमए पीएचडी आदमी भजिया बेचेगा? अरे अंकल चाहे तो बड़ा लीडर बन के दिखा सकते हैं, क्यों अंकल? अरे नहीं भाई, मुझे भजिया बेचना मंजूर है, सड़क पे झाड़ू मारना मंजूर है, मगर लीडर बनना मंजूर नहीं है भाई। क्यों अंकल? अरे बेटा ये राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, ये अपनी दुनिया से बहुत बाहर की चीज है। वो कहते हैं ना, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे ही शरीफ लोगों को सियासत हजम नहीं होती है। अच्छा अभी सियासत फिलहाल भेजो और पत्ते बांट, मेरे बराबर बांटना। चल बांट सर। अरे नो सर यार, अंकल बोला। ओ सॉरी सर, सॉरी अंकल, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो। अरे पूछने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, बिना पूछे पूछ। अंकल इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते हैं, मेरा मतलब है कोई फैमिली वगैरह कोई नहीं है? क्या बात है अंकल? अंकल मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? विजय, बीते हुए कल के अंधकार में झांकने से क्या फायदा है? गमों और दुखों के सिवा मां कुछ नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कॉलेज को अपनी दुनिया बना लिया है, अपने विद्यार्थियों को अपने रिश्तेदार बना लिया है। मेरी फैमिली तुम लोग हो, तुम लोग मेरी फैमिली हो। आप फिर बाहर आ गए, मजबूरी है ना। जब तू होश के दायरे से बाहर निकल जाता है तो तुझे अंदर लाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है। क्या मतलब, क्या इस बात का? तो ये प्रिया और विजय को डांटने जा रहा है? नहीं, इनकी इस मोहब्बत के कारनामे पे इनको गोल्ड मेडल देने जा रहा हूँ। ये तरीका प्यार करने का? अरे अकल की दुश्मनी लैला मजनू का जमाना नहीं है, अभी तो सिर्फ रिवॉल्वर के नोक पर प्यार का इकरार हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि तोप के दहाने पर और मिसाइल पर प्यार का इकरार होगा। तुझे अच्छा नहीं लगता तो अपनी आंखें बंद कर ले। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, स्टूडेंट की गलत हरकतों पर आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। क्या गलत काम किया इन दोनों ने? पढ़ाई में जीरो है? नहीं, चाल चलन खराब है उनका। अरे नहीं बाबा,
अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये उनका जाती मामला है ना, तुझे जाती मामले में टांग लाने की क्या जरूरत है? अरे मैं उनके प्यार के खिलाफ नहीं, उनका दुश्मन नहीं हूँ, मगर डिसिप्लिन दुनिया में कुछ चीज है कि नहीं है? अब इनको मना नहीं करूंगा तो ये कॉलेज में गाने गाते फिरेंगे। अरे वाह, तो ऐसे वो ना, तो एक काम का, नमा जाके चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, उनको जाके प्यार से समझा कि बेटा ये गाना गाने की जगह नहीं, अगर गाना ही गाना है तो किसी बागीचे में जाओ, समंदर के किनारे जाओ, प्यार से समझाएगा तो मान जाएंगे वो लोग। ऐसा कहूँ? तुम्हारी ये मजाल किया जितने लोगों के बीच अपने बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर उस दो कौड़ी के लड़के से तुम ये कह सको कि तुम उससे प्यार करती हो? डैडी, मैं तो अब भी कहती हूं कि मैं विजय से प्यार करती हूं। मैं विजय से प्यार करती हूं। Don't tell like that. I love विजय। I love Vijay. रुक क्यों गए डैडी? मारिए और मारिए, जी भर के मारिए। आपके थप्पड़ मारने से मेरे दिल में विजय के लिए जो प्यार है वो खत्म नहीं हो जाएगा। अब हाथ भी कीजिए, जवान बेटी पर इस तरह हाथ उठाते हैं। तुम बीच में मत बोलो। जब लड़की के पैर उसके जूते से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उस पर हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। मम्मी, ये क्या कर रहे हैं आप? आज से इसका बाहर निकलना और कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, ये मेरा हुक्म है। ये इश्क नहीं आसान, समझाए अब कौन उसे जाके, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। यार बंद करना। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन प्रेम रोग का मारा विजय दिल पर महबूबा की याद का सदमा उठाए बैजू बाबरा बन चुका है। तू गंगा की मौज में जमना। पूरा गाएगा? आप कहते हैं तो पूरा गाता हूं। अब क्या करेंगे अंकल? What shall we do now, sir? एक काम करो, जरा उधर देखना तो। उधर क्या है? अरे उधर देखो भाई। सुनिए अंदर वाले महाराज, गलतियों पे तो झापड़ मारने के लिए बाहर आ जाते हो, अब जरा इस समस्या का हल बताना तो। अरे फिर क्यों मारा यार? अरे बेवकूफ प्रिंसिपल, हर चीज मुझे को बतानी पड़ेगी, खुद सोचो फैसला करना। अच्छा, ये नहीं ऐसे मौका आप भी साथ नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम, खुद ही करते हैं। अरे मैंने उधर देखने को कहा था ना, घूमे क्यों तुम लोग? सर हम ये देख रहे थे आप अपने आप से बात कर रहे थे ना। नहीं तो अपने आप से बात, अपने आप से छोड़ा यार को। थोड़ी समस्या गंभीर है, कोई हेल्प वेल्प तो करेगा नहीं ऐसे मौकों पर। एक काम करते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही कोई हल निकालते हैं। यहाँ विजय वर्मा कौन है? विजय वर्मा वो है। आइए प्रिंसिपल साहब आइए। अच्छा हुआ आप आ गए, आपके स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं, इनको बोलिए यहां से चले जाएं, वरना मैं इन पर लाठी चार्ज करूंगा। लाठी चार्ज कर देंगे? यस। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद पता नहीं है कि ये वो चिंगारी है जो लाठियों के बरसात से बुझेगी नहीं बल्कि शोला बन जाएगी। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विजय और उसके साथियों को पहले छोड़ दीजिए। नेवर। कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इन गुंडों और मवालियों की वकालत कर रहे हैं आप? ये आपको गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं?
या आपका नहीं, आपकी आंखों का कसूर है। रिश्वत का काला चश्मा लग जाने के बाद सफेद चीज भी काली नजर आने लगती है। यह गुंडे मवाली नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मगर आपका ज़ालिमाना बर्ताव इनको गुंडे मवालियों जैसी हरकत करने पर मजबूर कर सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आपने इनको गिरफ्तार कहां से किया? किसी जुए के अड्डे पे, शराब की भट्टी पे, किसी वैश्या के कोठे पर, क्लासरूम से ना? अब आप बताइए मेरे कॉलेज में आप घुसे कैसे? कानून जानते हैं आप? प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर उसके कॉलेज में घुसना कानूनन जुर्म है, संगीन जुर्म है। अरे ये तो मेरी शराफत समझो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं, वरना बहुत बर्बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको, चलिए। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल साहब अब आप जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। इंस्पेक्टर, अगर आपने हमारे दोस्तों को फौरन नहीं छोड़ा तो आपका ये पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं रहेगा और तुम भी नहीं बचोगे। हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। मेरे होते यहाँ कोई तोड़फोड़ की बात नहीं करेगा। एक बात याद रखो, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। माइंड इट। मैं फिर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, जिद करके कोई फायदा नहीं है। आपको शायद स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये वो ताकत है जो सिमटती है तो मुल्क की बागडोर की बुनियाद बन जाती है, और जब बिखरती है तो इनकलाब का तूफान बन जाती है। मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूं। इन 3 मिनटों में आप विजय और उसके साथियों को बाहर निकालेंगे, यहां सबके सामने उनसे माफी मांगेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं, आबाद करने वाले और बर्बाद करने वाले। हम चाहें तो इन विद्यार्थियों को अपने प्यार से आबाद करने वाले बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी नफरत से इन्हीं विद्यार्थियों को बर्बाद करने वाले भी बना सकते हैं। लगता है आपको आबादी से नहीं बर्बादी से ज्यादा प्यार है, तो फिर आपकी तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। ऑल द वर्स्ट। प्रिंसिपल साहब जी, मैं उनको छोड़ देता हूँ। ले ले, तो बुलाइए हवलदार, उन सबको बाहर लाओ। अरे भाई सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो,